हाई एवरी वन एंड वेलकम बैक टू मेधाज क्रंच। आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे बोल रहे थे कि मेधा प्लीज़ एक वीडियो बनाओ जिसमें तुम बताओ कि मीन कमेंट्स जो तुम्हें आते हैं उसका रिप्लाई तुम कैसे देती हो, उसके साथ तुम कैसे टैकल करती हो और वगैरह वगैरह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मीन कमेंट्स मुझे आते हैं, ठीक है, तो मेन कमेंट्स मुझे जो आते हैं उनके लिए पहले तो कि उनके पास इतना टाइम कहाँ से मिलता है कि वो लोग मुझे सिर्फ फालतू फालतू के पर्सनल कमेंट्स करते हैं। लाइक सीरियसली ग्रो अप, मेरे को तुम लोग डिसलाइक करके मुझे तुम लोग नीचे दिखा के कुछ नहीं करोगे, कुछ भी नहीं तुम लोग हासिल कर सकते हो अपने लाइफ में। तो फिर प्लीज़ वो करना बंद ही कर दो तो बेटर होगा। उसके बाद मीन कमेंट्स जब मुझे आते हैं तो फर्स्टली मैं देखती हूँ कि वो कमेंट्स है कैसे। अगर वो कमेंट्स मेरे वीडियो से रिलेटेड होते हैं कि अपने वीडियोस में कुछ पॉजिटिव फीडबैक मुझे मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है मैं इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड यूट्यूबर बिल्कुल नहीं हूँ, आई एम अ न्यू यूट्यूबर। तो मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे लोग बताएंगे कि तुम ऐसा करो, तुम इस तरीके से वीडियोज़ डालो या फिर तुम कुछ भी मतलब गुड करो। तो मुझे अच्छा लगता है कि मुझे कोई इस तरीके के कमेंट्स में बोलते हैं या मुझे सजेस्ट करते हैं। हाँ, मैं कुछ दिनों से अपने कमेंट्स को ऑफ करके रखी हूँ क्योंकि मैं कुछ वीडियोस डाली थी, मैंने एक वीडियो डाला था, आई डोंट रिमेम्बर, उस वीडियो पे मुझे कोई एक बंदा था, पता नहीं, आई डोंट नो हिम, और वो अपना कोई फेक आईडी बनाया होगा आई गेस, और फिर फेक आईडी से मुझे कुछ पर्सनल कमेंट्स कर रहा था। फिर भी मैं सोची कि ठीक है यार, इट्स ओके, रहने दो, इग्नोर करते हैं। उस बंदे ने 3 सितंबर को शायद अपनी आईडी बनाई होगी एंड वो बंदा फिर से मेरे एक न्यू वीडियोस पे फिर से उसने वैसी कुछ बकवास कमेंट्स किया। जब उसने दूसरी बार ये चीज़ की, उसके बाद मैं उसे मतलब यूट्यूब में मैंने मेल डाला और मैंने बोला कि इस तरीके से हो रहा है मेरे साथ। तो पता है होता क्या है ना कि एक तो सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि हम लोग लड़की हैं, ठीक है, लड़की हैं, तो होता ही है कि हमारे कोई YouTube वीडियोस पे कुछ ख़राब कमेंट करता है तो क्या होता है ना कि लड़कों के ऊपर कोई इस तरीके से कमेंट्स करता है ना तो लड़के लोग बहुत चिल्ड हो जाते हैं, अरे छोड़ यार, और वैसे भी वीडियोज़ अच्छे बनाओगे या फिर तुम खराब ही बनाओ, जो भी बना रहे हो तुमको सब तरह के कमेंट्स आएंगे ही, और अब तुम्हारे धीरे धीरे जैसे वीडियोज़ मतलब सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो बुरे कमेंट्स भी आते हैं, हर तरह के कमेंट्स आते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि सबको ही देखता है वीडियो, ऐसा नहीं है कि वीडियो सिर्फ मैं देखती हूँ या मेरे सब्सक्राइबर्स देखते हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स या फिर कोई भी वो वीडियो देखता है। तो भाई और बहनों, जो भी ये काम करते हो कम से कम ये सोचो यार कि मेरे भी पेरेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, वो भी वो वीडियो देखते हैं, उन्हें भी बहुत बुरा लगेगा अगर आप इस तरीके से कुछ पर्सनल कमेंट्स करोगे तो, जो कि शायद सच नहीं है और आप इस तरीके से बोल रहे हो जो भी है। वेल, तो मैं तो सबसे पहले क्या करती हूँ ना कि मुझे अगर लगता है कि इस तरीके के कमेंट्स मुझे आ रहे हैं तो मैं कमेंट्स को हाइड कर देती हूँ, क्योंकि इससे, लेकिन पता है मुझे एक क्या बोलूँ मैं, मुझे नुकसान ही होता है क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बोलते हैं आपने कमेंट्स क्यों ऑफ करके रखा है, क्योंकि आप जो कमेंट्स ऑफ करके रखती हो तो हम लोग आपके मतलब वीडियोज़ पे अच्छे कमेंट्स नहीं दे पाते एंड ऑल, तो इस वजह से मेरे सब्सक्राइबर्स को बहुत बुरा लगता है। पर आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए, पर यू नो ना, मुझे कुछ ऑप्शन भी नहीं है ना, मुझे समझ नहीं आता उस समय कि मैं कैसे टैकल करूँ सिचुएशन को, एंड अभी इतनी एक्सपीरियंस नहीं हूँ और ये सब चीज़, मतलब आई नो कि अभी धीरे धीरे और बहुत कुछ मुझे देखने को मिलेगा और बहुत कुछ मुझे फेस करना ही पड़ेगा एंड इट्स वेरी ट्रू थिंग। फिर सेकेंड बात करते हैं कुछ क्रिंच कमेंट्स की, मतलब ना वो कमेंट्स अजीब से होते हैं। क्या होता है ना कि मतलब मैं कोई वीडियो डाली, मेरे वीडियो पे वो लोग अपने चैनल को डाल देते हैं और कहते हैं लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो भी है, तो मुझे वो चीज़ सही नहीं लगता है। मुझे लगता है कि यार कोई भी वीडियो पे आप अपने वीडियो डाल रहे हो या फिर अपने कुछ चैनल के नेम डाल रहे हो तो भाई देखो यार, ये तो मेरा चैनल है और तुम मेरे चैनल पे अपने चैनल का प्रमोशन करो, दिस इज़ नॉट डन। सो ये तो विनोद वाली बात हो जाएगी फिर, विनोद विनोद विनोद, तो ठीक है, ओके, इट्स ओके, होता है।
एंड बस इसी तरीके फनी फनी कमेंट्स मुझे बहुत सारे आते हैं, कभी कभी तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। अब प्लीज़ भाई, तुम लोगों ने बहुत कमेंट विनोद का कर दिया है, अब प्लीज़ कम से कम विनोद का कमेंट तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि मेरे कमेंट बॉक्स में जब मैंने विनोद वाली वीडियो बनाई थी, बाप रे कितने ज़्यादा लोग जो थे ना, एक ऐसा लग रहा था कि विनोद का तो मेरे में भी फ्लड आ गया हो। सो अच्छा होता है, चलो कभी कभी कमेंट्स बहुत ही मोटिवेशन मुझे मिलता है, पता है मुझे जब कोई पॉजिटिव कमेंट्स करता है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट होती हूँ और मुझे लगता है कि मैं क्या और अच्छा करूँ और क्या मैं इतना अच्छा और वीडियो डालूँ जिससे कि मुझे इसी तरीके से लोग पसंद करें। और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि ट्रेंड के साथ जाना चाहिए, ट्रेंडिंग में जो हो उस पर वीडियो बनाती हूँ मैं, बहुत ही क्विक बनाती हूँ और बहुत ही जल्दी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेंडिंग वीडियोज़ पर काम करना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और बस इसी तरीके से मेरा जो सफ़र है कमेंट्स को लेकर के बस ऐसे ही चलता है। डिसलाइक्स की बात की जाए तो डिसलाइक्स तो वीडियो में मिलते ही हैं यार, सबको मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि आप 100% परफेक्ट हो और 100% सही हो, तो आई थिंक यू आर रॉन्ग, बिकॉज कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है। कुछ वीडियोस में बहुत डिसलाइक्स मिल सकते हैं, कुछ वीडियोस में शायद बहुत लाइक्स मिल सकते हैं, तो वो तुम्हारे कंटेंट पर डिपेंड करता है। और ये भी हो सकता है कुछ लोग शायद तुम्हें पसंद नहीं करते हो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो रैंडम हर के वीडियोज़ पर डिसलाइक करते हैं। पर एनीवेज, मुझे डिसलाइक अगर कोई करता है मेरे वीडियोस पे, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशन मिलता है और मैं सोचती हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो उस पर कम डिसलाइक्स मिले मुझे। पर सबसे ज़्यादा पता है पॉजिटिव थिंग क्या है? लाइक। एंड उससे भी ज़्यादा पता है पॉजिटिव थिंग क्या है? कमेंट्स। लाइक और कमेंट्स, ये जो मुझे पॉजिटिव वाइब्स देते हैं ना, उसी की वजह से मैं जो भी यूट्यूब पे वीडियोस डालती हूँ, बस उसी की वजह से। सो ये मेरी एक फ्रेंड है, बहुत प्यारी सी, बहुत क्यूट सी फ्रेंड है, सोहिनी नाम है उसका। शी मेरी IHM की कॉलेज की फ्रेंड है। उसने मुझे बोला था कि मतलब वीडियो बनाना इस पर, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि क्यों नहीं है, इस पर वीडियो तो बनाना ही चाहिए। और वैसे भी मेरे साथ आजकल तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, तो मैंने फिर ये वीडियो बना ही लिया। तो बस ऐसे ही आप लोग मेरे चैनल को पसंद करो, लाइक करो, शेयर करो, सब करो, प्रेस करो बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सके। और बस ऐसी कभी कभी 1-to-1 इंटरेक्शन भी करना चाहिए, टॉपिक्स पे तो हमेशा हम लोग बात करते ही हैं। सो बस इसी तरीके से अब मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कमेंट्स के रिएक्शन पे, तो मैं कमेंट्स पढ़ पढ़ के बताऊंगी, ताकि आप सभी लोग हंसो। तो दिस विल बी डन फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो, जब मैं अब दोबारा कभी बनाऊंगी तब। तब तक के लिए बस बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।